वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू फ्रेंड्स? टुडे वी सी चैप्टर 4 ऑफ 7th क्लास सोशल साइंस। हमारा संविधान। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। आइए हम चैप्टर 4 हमारा संविधान का सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुन कर लिखिए, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुन कर लिखिए, ठीक है। हमें यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें से जो सही है वो हमें राइट करना है, ठीक है। संविधान सभा का गठन हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था तो कब हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। दिसंबर 1946, जनवरी 1947, नवंबर 1945, जनवरी 1950, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1946, ठीक है। 1946 में हुआ था संविधान सभा का गठन, 1946 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन देख लेते हैं इसका। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर हरिसिंह गौर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर राइट कर देना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अपनी स्वीकृति प्रदान की, भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। ऑप्शन देखते हैं इसका। 26 नवंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1930, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 26 1949, ठीक है, 26 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। फर्स्ट नंबर देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष देश देश थे, संविधान सभा के अध्यक्ष देश देश थे। तो संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर पे। भारतीय संविधान एवं निर्मित संविधान रहे लिखित, भारतीय संविधान लिखित एवं निर्मित संविधान है। भारत में देश देश एवं शक्तिशाली न्यायपालिका है, ठीक है। भारत में देश देश एवं शक्तिशाली न्यायपालिका है। तो हमें यहाँ पर ऐड कर देना है स्वतंत्र, ठीक है। भारत में स्वतंत्र एवं शक्तिशाली न्यायपालिका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। भारतीय संविधान सभी के किन्हीं 3 सदस्यों के नाम लिखिए। हमें यहाँ पर भारतीय संविधान सभा के किन्हीं 3 सदस्यों, ठीक है, 3 मेंबर्स के नाम लिखना है, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा भारतीय संविधान सभा के 3 सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के 3 सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या तात्पर्य है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या तात्पर्य? इसका आंसर आ जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, ठीक है। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है।
यह शक्तियों से संपन्न एवं सर्वोच्च है। ठीक है, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है एवं शक्तियों से उत्पन्न एवं सर्वोच्च है। किसी अन्य बाहरी शक्ति का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, कोई नियंत्रण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान को लिखित एवं निर्मित संविधान क्यों कहते हैं? भारत के संविधान को लिखित एवं निर्मित संविधान क्यों कहते हैं? इसका आंसर आ जाएगा, भारत का संविधान लिखित संविधान है। ठीक है, भारत का संविधान लिखित संविधान है तथा इसका निर्माण संविधान सभा द्वारा हुआ है। ठीक है, तथा इसका निर्माण संविधान सभा द्वारा हुआ है, अतः इसे लिखित एवं निर्मित संविधान कहते हैं। ठीक है, अतः इसे लिखित एवं निर्मित संविधान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसदीय प्रणाली क्या है? ठीक है, संसदीय प्रणाली क्या है? इसका आंसर आ जाएगा, संसदीय प्रणाली में शासन की वास्तविक, ठीक है, संसदीय प्रणाली में शासन की वास्तविक शक्तियां संसद में निहित होती हैं। ठीक है, संसदीय प्रणाली में संसद की वास्तविक शक्तियां संसद में निहित होती हैं। शासन की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करती है। ठीक है, शासन की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करती है। मंत्रिपरिषद संसद की प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, मंत्रिपरिषद संसद की प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, भारतीय संविधान की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा, भारतीय संविधान की 3 विशेषताएं। ठीक है, भारतीय संविधान की 3 विशेषताएं, संघात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था, भारत के संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक है, भारत के संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इस व्यवस्था के कारण, ठीक है, इसी व्यवस्था के कारण केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। केंद्र एवं राज्यों की अलग अलग सरकारें हैं। ठीक है, केंद्र एवं राज्य की अलग अलग सरकारें हैं। पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है, पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है कि राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान हैं। ठीक है, राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान हैं और राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। विस्तृत एवं व्यापक संविधान, विस्तृत एवं व्यापक संविधान, भारतीय संविधान अन्य देशों के संविधान की तुलना में बहुत विस्तृत। ठीक है, बहुत ही विस्तृत एवं व्यापक है। भारत में अनेक जातियां, धर्मों और भाषाओं के बोलने वाले निवास करते हैं। ठीक है, भारत में अनेक जातियों, धर्मों और भाषाओं के बोलने वाले निवास करते हैं। उनकी अपनी संस्कृतियां हैं। ठीक है, उनकी अपनी संस्कृतियां हैं। अनेकता में एकता की भावना को, ठीक है, अनेकता में एकता की भावना को सिद्ध करने के लिए संविधान में विस्तार पूर्वक उल्लेख है। ठीक है, संविधान में विस्तार पूर्वक उल्लेख है। ठीक है,